पीडीएफ के माध्यम से वर्ग अष्टम के लिए पार्ट वन विषय नागरिक शास्त्र आप तक पहुंचा दिया गया है। यहाँ हम संविधान के बारे में आपको समझा रहे हैं। संविधान दो शब्दों के मेल से बना है, सम जोड़ विधान। सम यानी एक समान एक जैसे, विधान यानी कानून, अर्थात ऐसे नियम कानून जो सबके लिए एक जैसे और एक समान है। संविधान की जो परिभाषा दी गई है, संविधान क्या है? संविधान कानून के संग्रह को संविधान कहा जाता है, जिसका पालन जनता और सरकार दोनों को करना पड़ता है। संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान हमारे भारत का संविधान बड़ा और लिखित संविधान है। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। यह संविधान वर्षों के संघर्ष आंदोलन और राष्ट्र चिंतन का परिणाम है। राष्ट्र आंदोलन के समय ही राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा उनके मन में विचार आया कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्वरूप कैसा होगा। उन्होंने चिंतन मनन के पश्चात निर्णय लिया कि हमारे देश की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी, जिसमें शासन और सरकार में लोगों की सहभागिता और भेदभाव रहित समाज का निर्माण होगा। संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और बाद में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। भारत का संविधान पूरे विश्व में विशाल और बड़ा संविधान है, जिसमें 395 धाराएं, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे। वर्तमान में 448 धाराएं, 22 की जगह 25 भाग और 12 की जगह 8 अनुसूचियां है। भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे, जिसमें संघवाद, दूसरा है संसदीय शासन पद्धति, नेक्स्ट स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, गर्भ में है मौलिक अधिकार, अंग में धर्म निरपेक्षता और च में है मौलिक कर्तव्य। बच्चों, भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं पर इस अध्याय में विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा और बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको बताया जाएगा। धन्यवाद।